हाल ही में गर्मी के मौसम का रोमांचक उत्सव मनाने के लिए हॉलीडे इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मैंगो मैंगीफेरा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भव्य सप्तमी एक्सप्रेस मैंगो मेन्यू का अनावरण किया गया और आगंतुकों को आम के अद्भुत स्वाद चखने का रोमांचकारी अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत होटल के कार्यकारी शेफ अविनाश कुमार के नेतृत्व में रसोई की टीम के द्वारा हाथ से चुने गए आमों के सुंदर चयन के साथ की गई, जिसमें शामिल लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ ब्लाइंड मैंगो टेस्टिंग की अवधारणा को अपनाते हुए हर आनंदित करने वाले बाइट के साथ आम के विभिन्न किस्मों की अलग प्रकृति एवं अनूठे स्वाद के रोमांचक सफर का अनुभव लिया। इस बेहतरीन अनुभव ने फलों के प्रिय राजा के लिए उनके प्रेम को और बढ़ा दिया। मैंगो ब्लाइंड टेस्टिंग के बाद सप्तमी एक्सप्रेस ने बहुप्रतीक्षित मैंगो मेन्यू को पेश किया, जो रचनात्मकता के साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ पाक कला को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक व्यंजन को आम की प्राकृतिक खुशबू, खट्टेपन और मिठास के साथ बारीकी से तैयार किया गया। मैंगो मेन्यू में भूख बढ़ाने वाले स्टार्टर से लेकर मुंह में पानी लाने वाले मुख्य खाने और स्वादिष्ट डेजर्ट तक गर्मी के मौसम के सबसे पसंद किए जाने वाले इस फल की खूबियों को प्रदर्शित किया गया, जो अपने अद्भुत स्वाद से लोगों को आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम में आसपास की जीवंत सजावट करते हुए आम के मौसम को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया है। सप्तमी एक्सप्रेस की पाक टीम ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को अपनी विशेष पाक कला और बेहतरीन सेवा के साथ एक यादगार भोजन अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम के बारे में हॉलीडे इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के F&B के निदेशक अवधेश झा ने उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि हम निरंतर अनोखे अनुभव बनाने के लिए प्रयासरत हैं और अपने मेहमानों को एक कभी न भूलने वाले एक साहसिक पाककृति मैंगो मेन्यू को लॉन्च करते हुए रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। शेफ अविनाश कुमार ने इस कार्यक्रम के संबंध में कहा, आम लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है, जिसे देखते हुए हम ऐसे उत्सव को मनाना चाहते थे जो हमारी पाक कला को प्रदर्शित करते हुए इस प्यारे फल को सम्मान दे। उन्होंने कहा कि आम के मौसम की खासियत ने उन्हें नवीन मेन्यू को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे ही जैसे अभी जो मैंगो का फेस्टिवल चालू हो चुका है, तो हमारे हॉलीडे इन में हमारा सप्तमी एक्सप्रेस नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम पेस्ट्रीज चॉकलेट सेल करते हैं सेल के लिए और सेल के लिए। उसमें हमने स्पेशली इस महीने के लिए मैंगो प्रमोशन, मैंगो के लोग जैसे हम मैंगोज़ को लेके हम जैसे केक्स बनाते हैं पेस्ट्री, उसको ही लेके हमने बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई है। स्पेशली आप देखोगे तो इस काउंटर्स पे हमारे पास आंत्रम है, जिसको केक बोला जाता है। केक हम बोलते हैं आंत्रम में, तो बस तीन चार चीज़ें मैंगो के अंदर इंसर्ट होगी और उसके अंदर आपको सर मैंगो का फ्लेवर मिलेगा। प्लस आपको ब्रेड्स मिलेंगे मैंगोज़ के साथ, जो आप सैंडविच के साथ खा सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलेंगे उसके अंदर सैलड्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट आपको वहाँ पे एक चॉकलेट्स मिलेंगे, जो चॉकलेट्स कैसे बनते हैं मैंगोज़ के साथ, वो सब हमने स्प्रेड रखा है स्पेशली गेस्ट के लिए और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उसका मज़ा ले सके। बेसिकली रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है फिलहाल। मैंगोज अभी जो सीज़न स्टार्ट हो गया, बहुत लोगों ने पहले चालू कर दिया था, बट हमने एक ही मैंगोज़ को लेके हमने नहीं किया। हमने यहाँ पे जो कि अब जो अगर अब देखोगे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 550 टाइप के मैंगोज होते हैं। इंडिया में आपको 300 मैंगोज मिलेंगे, उतने मैंगोज तो इंडिया में कोई सर्व नहीं करता। हमने 10 मैंगोज को लेके जिनकी स्पेशलिटी वो उसको ग्रैप करके उसके अंदर से हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या निकाल सकते हैं वो निकाल के हमने टेबल पर रखा, जो कि हर गेस्ट को खा के मिले, पता चले कि बेजाकी मैंगो क्या होता है। लंगड़ा, दशहरी, हापूस, तोतापुरी, पायरी, इन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोगों ने। स्वीट सेवरी मतलब खट्टा मीठा तीखा, ऐसे ही नहीं है कि आपको सिर्फ केक मिलेंगे, आपको पफ मिलेंगे, पेस्ट्रीज मिलेंगे, बॉनबॉन्स मिलेंगे, मैक्रून्स मिल जाएंगे, बगेट्स मिलेंगे, ब्रुशेटाज मिलेंगे। तो ये पूरा एक मिक्स एंड मैच मेन्यू है। ऐसे नहीं है कि आपको अगर मैंगो फेस्टिवल या मैंगो मेनिया में आ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मीठा मिलेगा, नहीं आपको सेवरी भी मिलेगा उसी के साथ में। नहीं, कंटिन्यू ऑन रिक्वेस्ट हम लोग बनाते हैं, क्योंकि व्हाट वी बिलीव मतलब हम लोग ये मानते हैं कि आपको जो सीजनल चीज़ें हैं जो लोकली प्रोड्यूस है, हम लोग लोकल जो आपके फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं कि उनका प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करें और उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिले। इसलिए हम लोग लोकल फार्मर्स से फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो लेना पसंद करते हैं। जब तक लोकल फ्रूट्स अवेलेबल है तब तक हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बाद नहीं है किसी का रिक्वेस्ट है तो कैन प्रिजर्व वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंगो एक ऐसा फ्रूट है कि बच्चे से लेके बूढ़े सारे एंजॉय करते हैं, तो हमें आपको बैक टू स्कूल लेके जाना था एंजॉय करने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर सबका एक एक तरीका होता है खाने का। वैसे ही मुझे भी पसंद है, फुल खाना पसंद है, एंड आई एम श्योर एवरीबडी लाइक्स इट। तो हम सबको आपका बचपना याद दिलाने के लिए ये स्पेशल लॉन्च में बुलाया है। हमने ये एक्टिविटी भी की जहाँ हमने सबको ब्लाइंड फोल्ड करके यू नो टेस्ट करवाया, जस्ट टू सी यू नो सबके पास क्या नॉलेज है। तो हमने तो सिर्फ 6 वैरायटीज़ की, बट मैंने सुना है इंडिया में 300 टाइप के वैरायटीज़ ऑफ मैंगो अवेलेबल है, एंड विकीपीडिया कहता है 550, जिसमें से हमें हार्डली यू नो थोड़े बहुत नॉलेज है जो हमने आज डिस्प्ले किया है।
और हमारे शेफ़ जिन्होंने स्पेशली क्राफ्टेड मेन्यू तैयार किया है सबको टेस्ट करने के लिए, जस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिज़र्ट्स बट ऑल्सो सेवरी. सो दैट्स द एजेंडा फॉर द टुडे फॉर द स्पेशल लॉन्च ऑफ द मैंगी फेस्ट. खास करके बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैंगो ज़्यादा बच्चे लोग को प्यारा रहता है. आई नो बट ज़्यादा मत खाइए वरना गर्मी हो जाएगी पेट में. बट एन्जॉय कीजिए, यू नो एन्जॉय कीजिए. फुल खाइए, कट करके मत खाइए तो आप उसका वो एसेंस लूज करेंगे. तो फुल खाइए, एन्जॉय कीजिए. स्मूदी में खाइए, अचार में खाइए, जैम के तरीके में खाइए, हर तरीके से खाइए, बट आम खाइए. मतलब आइडिया तो बहुत पहले से था बट मौका ऐसा बना और सीज़न ऐसा है और हमने ऐसे टाइम पे रखा है जहाँ जब आपको हर वैरायटी ऑफ मैंगो अवेलेबल रहता है. जनरली मैंगो जब स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, उस वक्त एक या दो वैरायटी के मैंगो ही आपको इजीली अवेलेबल रहते हैं, बट मई तक आते आते ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज़ के मैंगो आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में. और उससे हमारी क्रिएटिविटी को और एनहेंस करने के लिए अच्छा मौका मिलता है कि जितने ज़्यादा वैरायटी उतने ज़्यादा टेस्ट, उतने ज़्यादा फ्लेवर, उतने ज़्यादा चाहने वाले. सो ये एक आइडिया था कि इसीलिए हमने मई के महीने में ये फेस्टिवल रखा है ताकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं, स्कूल भी बंद हैं और बच्चों का फेवरेट फ्रूट माना जाता है इसको, तो वो रीच भी एक मिलेगी. सो दैट इज़ द रीज़न. तो बच्चों के अट्रैक्शन के लिए देर आर स्मॉल पेटी पेस्ट्रीज आर देर, देर आर यू नो स्मॉल सैंडविचेज आर देर विच चिल्ड्रंस लाइक, एंड यू नो मैंगो इट्सेल्फ इज़ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू इज़ ऑल्सो देर. इट्स नॉट ओनली यू नो अ टेस्टी फ्रूट, इट ऑल्सो हैज़ अदर बेनिफिट्स ऑल्सो विच इज़ गुड फॉर यू नो हेल्दी अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. सो वो एक आइडिया भी था और ये मौका और दस्तूर ऐसा बना कि ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हुई और हम आज इस मंच पे खड़े हैं और ये मैंगो फेस्टिवल लॉन्च कर रहे हैं. आज हम हर साल करते हैं बट जिस स्केल में इस बार हमने प्लान किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. और दूसरा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये जो सप्तमी एक्सप्रेस है इसको हम इस बार लॉन्च कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर जितने भी सर्वर जो आपको सर्विस करेंगे वो डिफरेंटली एबल्ड हैं. मतलब जिनमें कुछ भगवान की तरफ से कुछ ऐसी कमी होती है, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ सुनने में थोड़ा सा उनमें यू नो तकलीफ़ होती है, तो उस तरह के एक एक्सपोजर उन लोगों को देने के लिए हमने ये एक्सप्रेस को नई तरीके से लॉन्च कर रहे हैं तो ताकि उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिले. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडेड यू नो एडवांटेज ऑफ लॉन्चिंग दिस सप्तमी एक्सप्रेस विद द यू नो आवर फेवरेट किंग ऑफ मैंगो फेस्टिवल. माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.